make me smile. What is it that you do? Hey guys, good evening. आप सब कैसे हैं? और अभी जो कि शाम के बजे हैं 5 और मैं अभी नीचे सोई हूँ क्योंकि नीचे ना काफ़ी अच्छा राहत मिलता है और ऊपर ना बेड के ऊपर काफ़ी मतलब क्या कहते हैं गर्मी है तो इस वजह से ना मैं मतलब नीचे सो रही हूँ और अभी थोड़ी देर के बाद हस्बैंड आ जाएंगे और अभी जो कि कुछ कपड़े हैं जो कि मुझे वॉश करने हैं एक बार लाइट आ रही है जा रही है क्योंकि अभी जो है ना गर्मी का टाइम है और गेहूँ भी कट रहा है तो गेहूँ की वजह से ना लाइट आ नहीं रही है उतना अच्छा सारा दिन लाइट नहीं आया 4 बजे आया 4:30 बजे चली गई तो फिर मैंने सोचा लाइट जाएगा नहीं तो शाम को ही धो दूँगी बट जब मैंने देखा लाइट चली गई तो बहुत बुरा लगा तो थोड़ी देर के बाद जो कि हस्बैंड आ जाएंगे एंड देखते हैं फिर चाय नाश्ते का जुगाड़ करेंगे हम अपना क्योंकि शाम को थोड़ा चाय नाश्ता ना हो तो मूड ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे सो के ना काफ़ी मज़ा आता है नीचे यहाँ दे रही है पानी और पूरे फूल पौधों में भी पानी दे रही है सीधा ही कुमड़ो कैसे क्या बुरा आधा बुरा ऐ जे माटी थाई गे सकते छुट्टी ये मेरा सबसे पसंदीदा फूल का पेड़ है लौकी का साग ये सब जगह जल दे भिजोली ना एक तो ठंडा ठंडा फील है देखो पूरा गर्मी भी रह जाती जल इतने लाइट ना रहे तो मेरा संडे पूरा बर्बाद हो जाएगा तो फिर मैं सोचा कि आज के दिन ही मैं पूरा के कंप्लीट करके रख दूँ चीनी नहीं तो सुनो हमें जो नेट आइसक्रीम अनब पैसे तो मनो के ठंडे मेरा खजाना देखो इसके अंदर रहता है इतना पैसा मिस्टी का दिखी है तो आज बनने वाला है अंडा कड़ी तो यहाँ पे देखो अंडा छीला जा रहा है कुछ अंडे छील चुके हैं और यहाँ पे है कुछ आलू जो कि उबाले गए और इसमें है मसाला जो कि ग्राइंड कर चुके हैं और निकी यहाँ पे अभी पकाएगी अंडा कड़ी तो इसको यहाँ पे चीरा लगाया जा रहा है ताकि अंडा फटे ना और मसाला भी अंदर जा पाए फटता है ना अंडा ब्लास्ट होता है अंडा पता भी है ना हमको तो पता ही नहीं है आप ही को पता है वैसे मैं सोचता था कि अंदर सिर्फ मसाला के लिए दिया जाता है लास्ट फ्राइडे और इसको पहले फ्राई किया जाएगा तो अभी कढ़ाई बिठाना है जल्दी जल्दी बन जाएगा क्योंकि सब बॉईल है ना तो बॉईल वाली टाइम मम्मी पापा को भी देख के आना है यस गोपी भी आएगा गोपी आएगा नहीं गोपी को भी देख के आना है और यहाँ पे देखो गाइस चीकू जो कि ये वाला देखो पक चुका है ये देखो
तो इसको मेरे मायके में ना खा ही नहीं पा रहे, पता नहीं पका के खाना ही नहीं आ रहा उनको। हमारे घर में कैसे पक जाता है? कोई तो देखो, लगभग दो तो पक ही गया है, ये वाला पूरा पक गया, और इसके अंदर भी कितने सारे हैं। उधर पका के खा ही नहीं पा रहे, कल लेके जाऊंगी ना ये मैंने सोचा था नीला दी के घर पे लेके जाऊंगी, मैं मेरे ननद के घर पे लेके जाऊंगी, पर टाइम ही नहीं मिला, याद ही नहीं था। सोमवार को परसों दे देंगे। वैसे वाला मेड नहीं है ना जो परमानेंट घर में रहे, वो वाला मेड थोड़ी रखते कोई ना, बोल रहा हूँ जो वो परमानेंट मेड कोई नहीं रखता कि पूरा सुबह से लेके शाम तक रात तक, सुबह आके थोड़ा कपड़े पड़े धो दिए। इसमें ना मैंने डाला है प्याज और लहसुन और टमाटर, पलक था मैंने इसमें तो भून के, थोड़ा सा जीरा जो कि भून के उसके बाद इसमें डाला है, और अभी जो कि मैंने इसमें डाले हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर, इसको ना मिक्स कर लूँगी मैं इसी में, थोड़ा सा पानी दे के इसी में मिक्स कर लूँगी। अच्छा ये बार बार फॉर्म करूँगी।
फ्राई होने देते हैं और इसको क्या करेंगे लास्ट में ना हम इसको मैश कर देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसको यहाँ पे साइड में रख देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो ये ना हो गया है और यहाँ जो कि मैंने तेल और जीरा अलग रख दिया था ना, इसको भी इस तरीके से क्रश कर लेंगे। और तरी ना ज़्यादा ही रखूँगी मैं क्योंकि गोभी भी आएगा, मम्मी पापा को भी खाना है। निकाल लेते हैं, अभी चावल भी बिठाना है।